Hey guys, welcome back to my channel, mompy.rahul. तो कैसे हो आप लोग? तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल. हम कल गए थे तो एक छोटा सा क्लिप बनाए थे जहाँ पे साली जी और बाबा लोग आए थे, और आज करवा चौथ भी है तो एक दिन बाद ब्लॉग छोड़ रहे हैं. तो सबसे पहले पूरा ब्लॉग देखो, कंटिन्यू करो, और बहुत लोग जान भी गए होंगे. जो जान गए होंगे प्लीज़ कमेंट मत करना, आगे में कमेंट करने देना लोगों को. जो नहीं जानते होंगे वो कमेंट करे है ना कि क्या हुआ बेबी बॉय और बेबी का. तो चलो इस व्लॉग में मुझे कमेंट में चाहिए कि आप लोगों ने पहले क्या सोचा था, बेबी बॉय और बेबी गर्ल. यही चीज़ मतलब मुझे जानना है, कितने लोगों का अंदाज़ा सही था, कितने लोगों का गलत. तो चलो व्लॉग देख लो आप लोग, उसके बाद फिर मिलते हैं लास्ट में. तो कल करवा चौथ है, उसके लिए मेरा बहुत तोड़ जोड़ से देखो प्रिपरेशन चल रहा है. और परसों से हम दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल घाट, ये वो. मित्र को तो बोलो ना, तुम ही दौड़ो नहीं. हां सो मैं ना अभी भी नहीं किए. अरे अम्मी जाए नहीं, कल के देखते हैं. एक बार ही गए हैं तो गए तो थे ना. कितना झूठ बोला उसका. हॉस्पिटल बैग पैक का वीडियो बनाया है इसका, शॉपिंग किए उस चीज. अरे मेन चीज है कोई काची काम और टाइम से नहीं करते हैं. हड़बड़ी में अभी लगेगा. वो हड़बड़ी में वो मेरा बेटी का वरदान है. वो चीज खाने में 3 घंटे लगाती है, सोने में 5 घंटा, मतलब वो वरदान है इस चीज. इसका वरदान है, वरदान. अभी आए हैं, अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब तो बता दो मामपी. बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब तो बता दो कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. कल मेरे सबसे पहले मेरी बहन के चैनल पे आ जाएगा बेबी गर्ल या बॉय. और बहुत लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के लिए मेरा जो ब्लॉग देखता है मेरे चैनल पे भी आएगा, कल आएगा कि वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल. बहुत किसी को थोड़ा बहुत पता चल ही गया होगा. आप लोग कॉमेंट्स करना यार. छोड़ भाई मेरा बैक, कौन सच है कौन गलत, वो पता चल जाएगा. वैसे आधे लोगों को सब सच पता है, आधे लोग थोड़ा कंफ्यूज में है. हाँ देखो कंफ्यूज वही लोग हैं जो लोग मेरे सामने सामने नहीं है, अगल बगल नहीं है. लेकिन क्योंकि जो भी YouTube फैमिली मेंबर्स हम लोग रोड पे मिले हैं, सबको कांग्रेस किए हैं, हम लोगों को सबको फिर से बोल रहे हैं धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, मेरा बहन को, हमको, सबको. और उन लोगों को बता दिए हम, उन लोग पूछा था कि क्या हुआ क्या हुआ, हम सबको बता दिए कि हाँ जेंडर बता दिए उनको. लेकिन जो लोग दूर दूर रहते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, उन लोगों ने पता, उन लोगों के लिए भी ज़्यादा भी वेट करवाएंगे, कल बता देंगे कि बेबी बॉयज या गर्ल्स. सचिन नल खुला हुआ है, पानी गिर रहा है टप टप. और कैसा रहा एक्सपीरियंस? चलिए आज मैं आप लोग अपनी साली जी का एक्सपीरियंस बताता हूँ. ओ बाबा अभी नोतुन माना. नोतुन माँ नहीं, तुम तो गई फट से, गई फट से. लेकिन बहुत क्विक हुआ इसका एकदम, बहुत जल्दी. जितना इसके टाइम पे इतना ताम झाम किया ना. हॉस्पिटल में भी यही लग रहा होगा कि लड़ने नहीं आ रहा है. मिस क्या किया तुम? लड़ाई नहीं हो रहा होगा ये बोलो ना सीधा. अच्छा आप तो फुर्ती आ जाएगा, आप तो बहाना नहीं दोगी. पेट भारी लग रहा है, नींद आ रही है, बहाना फिर से शुरू. लोग क्या कहेगा, ये समाज हमको कैसे मान लेगा. हमको तो भाई समाज माने ना माने, खुद ही मान जाए. देखते देखते दो बच्चा की माँ बन गई तुम. हमने क्लास पढ़ाई करती थी, अब देखो पढ़ाई करवाओगी बच्चों को. सोई नहीं हम 4 दिन से, 4 दिन से सोई नहीं हम. पूरा नहीं आएंगे यार. अपने ससुर को कैसे बोलती है बूढ़ा आदमी? देखिए आपके सामने आपके पति का बेइज्जती कर रही है. हम कभी बूढ़ा भी बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी को अकेले छोड़ देंगे, घूमेगा मेरी दादी ससुर को, मेरी माँ के साथ. हाँ मेरा दीदी बूढ़ा हो गया, मेरा जीजी बूढ़ा हो गया, बोले हुए कैसे कर रही है. अच्छा
वो खोल लेती है। तो अभी आए हैं नानू बाबू का देखने के लिए, फर्स्ट टाइम गोदी वगैरह लिए हैं, फर्स्ट टाइम ही लिए ना, फर्स्ट टाइम नानू गोदी लिए है और तब से खेल रहे हैं। तो आज जैसा मैं बताया कि आज हम लोग रिवील करेंगे कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल है, बहुत लोगों को पता है क्योंकि पहले आप लोग कमेंट कर लो, गेस कर लो क्या हुआ है, कितने लोगों ने सही किया कमेंट। मैं 5 सेकंड के लिए मौन रखता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हॉस्पिटल में जब हम लोग थे, जब हुआ था तो सोमनाथ ना शर्ट निकाल के यू 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 करके डांस कर रहा था। बहुत लोग समझ गए, बहुत लोग नहीं समझे, क्योंकि अभी क्या कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का या लड़की, जो होता है सब सब एक्सेप्ट करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो तो खुशी मिलता है, लेकिन जब किसी के पास एक बेबी गर्ल पहले से हो तो वो एक्सपेक्टेशन बेबी बॉय का ज़्यादा करता है कि नहीं मम्मी? तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन किया है कि क्या मतलब क्या सोचा था? तो एक घर पे बिटिया रानी होने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना कि एक्सपेक्टेशन लड़कों का होता है, जैसा मैंने बताया। तो पहला मम्मा हुई थी तो बहुत खुश थी, तब भी मैं भी था, कोलकाता में ही था। अभी लड़का हुआ है तो और भी खुश है। पार्टी दे दीजिए ना, ये बात मेरा मुझसे नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। पार्टी दे रहे तो अच्छा है, और जब से हुआ है तब से मेरे घर पे फोन आ रहा है, तुम लोग कब कर रहे हो? बोला आ रहे हैं मम्मी, अभी जीने दो 1-1.5 साल, उसके बाद ही करेंगे, 5 साल मायरा को होने दो ना, हमको तड़पते हुए देखेगा पहले, फिर वो देखेगा हम लेंगे या अभी नहीं। अभी बहुत पैसा कमाना है, पैसा सेव करना है, मतलब बच्चे के साथ पैसा जेब में नहीं रहेगा तो ख्वाहिश कैसे पूरा करेंगे। तो ठीक है, ये सब हुआ बहुत उस दिन हॉस्पिटल में, बहुत लंबा वेट करने के बाद हम लोग, मैं हम तो 6 बजे गए थे हम और सोमनाथ, और 6 बजे की सुबह 7 बजे तक हम लोग, 8 बजे तक, 8 बजे तक हम लोग घर आए थे। तो चलिए मैं आप लोग ज्यादा वेट नहीं करवाता हूँ, अभी जस्ट हम लोग रिवील करते हैं। तो बेबी बोल दिया मेरे सासू ने, बेबी बॉय हुआ नहीं, उन्होंने बोला नहीं, वो बोले कि वो हमेशा चाहती थी कि उनको बेबी बॉय चाहिए था, और मम्मा के बाद एक बेबी बॉय चाहिए था। तो कोई नहीं, सही बोला उन्होंने, जो सोची थी बेबी बॉय हुआ है, और बहुत हैंडसम है, बहुत ही एकदम मस्त। अभी फेस तो नहीं दिखा पाएंगे, बट बहुत जल्द कल या परसों 6 दिन तक के बाद दिखा देंगे, क्योंकि 6 दिन से पहले अभी बच्चा स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना जल्दी फेस मतलब इस वजह से नहीं दिखा रहा, ऐसा नहीं कि कंटेंट पाने के लिए दिखा रहा है, क्योंकि इनके घर में भी कुछ प्राइवेसी है कि थोड़ा सा बच्चा स्वस्थ अच्छे से पूरा हो। हम लोगों ने 21 डेज 31 डेज बोला मम्मी। हाँ तो तुम तो फेस रिवील कर सकते हो ना, हम लोग का 6 दिन में हम लोग पूजा करवाए थे तो करवा दिए थे। दूध पिएगा। तो फाइनली बेबी बॉय हुआ, चलो दूध पीता हूँ। नानू फर्स्ट टाइम आया है, उसके बाद मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मम्मी हो गई है फुल रेडी, आज हमने रिवील कर दिया बेबी बॉय है बेबी गर्ल नहीं है। तो कल के ब्लॉग में करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग आने वाला है, और अभी मैं बता दिया मम्मी का गेटअप ये वगैरह, सो कल वाले ब्लॉग में आपको बताएंगे हम दोनों क्या पहने और कैसे मम्मी बनाई, है ना? आ रहे हैं वो, जल्दी आ जाएगा, अभी नहीं फोन करेंगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ, मेरा फोन मायरा उसको पूजा के लिए, बाबू इसका मुंह क्या मुंह पूछो यार, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं बेटा पूजा के लिए है, बाद में आपको देंगे ना बाबू। नहीं पापा। हाँ बेटा, पापा मेरा बोल, सुनो ना मेरा एक बात सुनो, तुम तुम इतना जो बोलते रहते हो, इतना जो बोलते रहते हो, इतना पटर पटर क्यों करते हो? क्यों तो सब हाथ में पानी लेके आना, तो इसका मुंह पोछेंगे। इधर कुछ नहीं है बताओ, और वो डांडिया वहां लाके इधर रख दी, ये कुछ नहीं है, बात कर रहे तो नहीं आपको समझ में आ रहा है, पनिया फेंक के उधर गिर रहा है, मुंह पोछो। मारे बहुत बदमाशी नहीं करने लगी हो आजकल, मारो मारो तो उसको, मारो तो,
अरे हम दिखाएं अंकल को, भेजे ए सोम, आपको देख के सोमनाथ खरीद लिया, बोला कि आपके साथ लड़ाएगा वो, समझे, बोला कि आपके साथ वहां से यहाँ मंडी तक जाएंगे। आज आज हम आपको खोज रहे हैं, तो आप होते तो मैं आपको इससे खाते हैं। आएंगे एक दिन जैसा होगा तो अंगूरी कट दिया जाएगा। बहुत भयानक पतंग उड़ाते हैं, बहुत भयानक, मैं मिलाऊंगा एक दिन करके।